ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल हाल ही में बड़ी फंडिंग को लेकर के चर्चा में है। रितेश अग्रवाल ने महज 24 साल की उम्र में होटल कारोबार में बड़े बड़े होटल चेन्स के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। तो क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं रितेश अग्रवाल ने कभी ओयो की स्टार्टिंग ही नहीं करी, बल्कि ओयो का आइडिया तो किसी और का ही था। तो कहाँ गए वो पार्टनर्स या सो कॉल्ड को फाउंडर्स जिन्होंने ओयो को $1 बिलियन कंपनी बनाने में मदद करी। तो कैसे रितेश अग्रवाल ने अपने पार्टनर्स की 10% इक्विटी 28 लाख में सेल करवाई, जिसकी वैल्यू आज 7000 करोड़ से भी ज्यादा की है। कहानी शुरू होती है 2011 में, जब रितेश अग्रवाल दिल्ली शिफ्ट होते हैं अपने सेट एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो सेट का एग्जाम तो कभी निकला नहीं, तो इन्हें एयरबीएनबी के बिजनेस के बारे में पता चलता है, जो फॉरेन में उस समय बहुत ज्यादा चल रहा था। और रितेश अग्रवाल ने सोचा क्यों ना एयरबीएनबी के बिजनेस को इंडिया में रेप्लीकेट करा जाए। तो उस समय रितेश अग्रवाल पहुंचते हैं पंड्या के पास। पंड्या अपनी एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी रन करते थे जो कि स्टार्टअप्स और कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी। तो रितेश का लग बहुत अच्छा था, उन्हें एक बनी बनाई वेबसाइट मिल जाती है बिस्ट्रो स्टेज नाम से, जो कि एयरबीएनबी का डिट्टो क्लोन था। रितेश अग्रवाल इनसे बनी बनाई वेबसाइट खरीद लेते हैं और अपनी कंपनी का नाम रखते हैं ओरेवल। ओरेवल भी सेम एयरबीएनबी के बिजनेस मॉडल पर ही काम करता था, जहां पे घर के मालिक को अपने कमरे के लिए किराएदार मिल जाएगा एक दो दिन के लिए। और ये ओरेवल के बिजनेस मॉडल पर काम ही कर रहे थे, इनके पास एक ऑफर आता है वेंचर नर्सरी का। वेंचर नर्सरी मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि स्टार्टअप्स को फंडिंग देती भी है और दिलवाती भी है। ऑफर ये था कि रितेश अग्रवाल को 30 लाख रुपए मिल रहे थे ओरेवल स्टार्टअप के लिए, पर एक कंडीशन थी, और वो कंडीशन थी कि रितेश अग्रवाल को अपने स्टार्टअप में एक को-फाउंडर लाना पड़ेगा, तभी वेंचर नर्सरी वाले इन्हें 30 लाख रुपए देंगे। अपनी वाइफ के साथ एक बेड एंड ब्रेकफास्ट का बिजनेस रन करते थे जिसका नाम था सिनेमन स्टेज। तो रितेश अग्रवाल इनके पास 10% इक्विटी का ऑफर लेके पहुंचते हैं कि आप मेरे ओरेवल बिजनेस में थोड़ी मदद कर दो, आप मेरे कोफाउंडर बन जाओ। तो मनीष सिन्हा इन्हें ज्वाइन भी कर लेते हैं, क्योंकि मनीष सिन्हा का बैकग्राउंड एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के रिलेटेड ही रहा है। पर रितेश अग्रवाल ने कभी भी मनीष सिन्हा को वेंचर नर्सरी के 30 लाख रुपए के ऑफर के बारे में बताया ही नहीं। और उस समय ओरेवल टेस्टिंग स्टेज में था, जहां पे मनीष सिन्हा भाइयों का प्यार दिखा के ब्रांडिंग मार्केटिंग सब कर रहे थे उनके ओरेवल बिजनेस के लिए, लेकिन ओरेवल का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि ओरेवल काम करता था एयरबीएनबी बिजनेस मॉडल पर, क्योंकि क्यों कोई अपने घर का कमरा किसी और को देगा, वो भी एक दो दिन के लिए। और यही मनीष सिन्हा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मनीष सिन्हा ने शेयर कर दिया आइडिया ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड होटल, या आप कह सकते हो जो आज का ओयो है। फिर क्या था, रितेश अग्रवाल को आइडिया इतना ज्यादा पसंद आया, इन्होंने अपनी टीम साइज इंक्रीज करना चालू कर दिया और टीम में एंट्री होती है 4 नए टीम मेंबर्स की, जिन्हें रितेश अग्रवाल झूठे वादे करके लाए थे। पहला था अनुज तेजपाल, ये प्रॉपर्टी एक्वायर करने का काम करते थे होटल्स के पास जा जाके। दूसरा था साहिल अरोड़ा, ये कॉल्स हैंडल करते थे होटल्स एंड कस्टमर्स की। और तीसरा और चौथा था जैन एंड गुप्ता, जो ओरेवल के नए डेवलपर्स थे, या आप कह सकते हो ओयो के नए डेवलपर्स थे। तो रितेश अग्रवाल ने जैन एंड गुप्ता को 8-10% इक्विटी देने का वादा करा। तो पर अभी आप कहोगे यार इसमें गलत क्या है, सब सही तो चल रहा है। बट अगर मैं अभी आपको बोलूं कि वो इक्विटी देने के वादे, वो सैलरी उन टीम मेंबर्स को कभी मिली ही नहीं, ऊपर से मनीष सिन्हा की 10% इक्विटी और ओयो का आइडिया कैसे रितेश अग्रवाल ने चोरी करा। 2013 जब रितेश अग्रवाल थील फेलोशिप के लिए यूएस जाते हैं, थील फेलोशिप पीटर थील का प्रोग्राम है जो पेपाल के फाउंडर हैं, और 2013 में रितेश अग्रवाल थील फेलोशिप जीत भी जाते हैं। इतना फेम मिलने के बाद, इतने मीडिया चैनल्स पे आने के बाद रितेश अग्रवाल की पर्सनैलिटी पूरी बदल सी ही गई थी। उन्होंने कभी भी अपने को फाउंडर का नाम, टीम मेंबर्स का नाम कोई भी मीडिया चैनल्स पर लिया ही नहीं। और यहाँ मनीष सिन्हा और बाकी के टीम मेंबर्स बैठे बैठे परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनके फोन कॉल्स का जवाब, ईमेल्स का जवाब रितेश अग्रवाल ने कभी दिया ही नहीं। और ये 24 घंटे कैसे महीनों में बदल गए कुछ पता ही नहीं चला। और इतने रितेश अग्रवाल की लाइफ में आती है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, वो जाते हैं यूएस अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फंडिंग लेने के लिए, LSVP एंड DSG कंज्यूमर पार्टनर से 4 करोड़ रुपए की फंडिंग के लिए।
पर सवाल ये आ जाता है, रितेश अग्रवाल ने कभी इन्वेस्टर्स को ये बताया ही नहीं उन 10% इक्विटी के मालिक या आप कह सकते हो उनके स्टार्टअप के को फाउंडर मनीष सिन्हा के बारे में। 4 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाने के बाद कि अब उन 10% इक्विटी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ये सीधा जाते हैं मनीष सिन्हा के पास और एक टर्म शीट साइन कराने को बोलते हैं। और उस टर्म शीट पे लिखा था, आई एम सेलिंग माई 10% शेयर टू रितेश अग्रवाल। और मनीष सिन्हा उस टर्म शीट को साइन भी कर देते हैं, क्योंकि मनीष सिन्हा को रितेश अग्रवाल ने कभी ये बताया ही नहीं कि वो 4 करोड़ की फंडिंग भी रेस करके आए हैं। और अब मनीष सिन्हा की उन 10% इक्विटी की वैल्यू आज 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। बट अभी आप सोच रहे होगे कि यार उन 4 टीम मेंबर्स का क्या हुआ, तो उन 4 टीम मेंबर्स का भी कभी कॉल उठाया नहीं गया, जो उन्हें इक्विटी देने के वादे करे गए थे वो वादे कभी निभाए नहीं गए। इन शॉर्ट, नो बकवास, उन टीम मेंबर्स को कुछ नहीं मिला। सो भाई कैसी लगी वीडियो? इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी है और थोड़े से एफर्ट्स भी लगे हैं, तो थोड़े से एफर्ट्स दिखे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।